हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये PGT प्रवक्ता के लिए है, जो सिविक सब्जेक्ट से संबंधित है, नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित है। तो अगर आप TGT, PGT और LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं। संसद प्रणाली में जब संसद की बैठक होती है तो प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है। उस समय को जो होता है, उस समय अवधि को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो उसको ऑप्शन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान केंद्रित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर घंटा, शून्यकाल, चर्चा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्नोत्तर घंटा, प्रश्नकाल बोला जाता है, जिसमें प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो प्रत्येक संसदीय प्रणाली में जब संसद की बैठक होती है तो प्रश्न पूछने के लिए जो अलग से समय निर्धारित किया जाता है उसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर घंटा। ठीक है दोस्तों, हम प्रश्नकाल और शून्यकाल पर एक वीडियो पहले, बहुत पहले ला चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए अंत में प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ से आप वीडियो आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल में, तो वहाँ से आप देख लीजिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल पे हम डिटेल से उसके बारे में बताए हैं, व्याख्या की है, तो वहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्न के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा कहा जाता है। प्रश्नोत्तर का समय जो होता है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। शून्यकाल चर्चा भारतीय संसद की देन है, और जो शून्यकाल का समय होता है वो होता है 12 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। जो प्रश्नकाल है वो शून्यकाल से 1 घंटा पहले होता है दोस्तों, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, और शून्यकाल जो होता है 12 से 1 बजे के बीच में होता है शून्यकाल। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ होता है और राज्य के साथ उसका अंत होता है, ये वक्तव्य किसका है। तो ऑप्शन है गार्नर, आर.ए. ढाल, गैरिस, हेराल्ड, लासबेल। तो जो आंसर जाएगा वो पहला नंबर जाएगा गार्नर। ये कथन जो है गार्नर का है दोस्तों। गार्नर ने कहा है राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ राज्य से होता है और राज्य से इसका अंत होता है। तो ये कथन गार्नर का है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्याख्या देख लीजिए, J.W. गार्नर ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। गार्नर ने क्या कहा है, राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। गार्नर की राजनीतिक विज्ञान पर पुस्तक पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है गार्नर के, पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट इसके पुस्तक का नाम है, इसको आप नोट कर लीजिए। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा है। हीगल ने राज्य जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा है, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किए। तो द प्रिंस में राज्य का पहली बार जो प्रयोग किया है, सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो मैकियावेली है, और इनके पुस्तक का नाम है द प्रिंस। हीगल ने क्या कहा है, तो हीगल ने कहा है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है हीगल के अनुसार। पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, तो एक गार्नर की पुस्तक है, आप यहाँ नोट कर लीजिए कहीं। ठीक है, आगे देखिए 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है, ये आपको बताना है। तो राज्य के जो हैं चार तत्व निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में और जानेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए।
न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो जो सर्वोच्च होता है वो क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता जब तक दोस्तों नहीं रहेगी, कोई भी राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। वो किसी का संप्रभुता का सेंस ही होता है कि हम अपने आप में संप्रभु हैं, हम हर निर्णय अपने लेंगे, हम किसी के लिए बाध्य नहीं है, हम आंतरिक मामले और बाह्य मामले दोनों में हम क्या हैं? संप्रभु हैं, स्वयं निर्णय ले सकता है। और संप्रभुता हर राज्य के लिए, राज्य मतलब देश के लिए जरूरी है। हर देश की अपनी संप्रभुता है, तो हर देश की संप्रभुता अगर उसकी कहीं संप्रभुता ही समाप्त हो जाती है तो वो देश एक प्रकार से गुलाम हो जाता है दोस्तों। तो संप्रभु होना सबसे सर्वोच्च शक्ति माना जाता है हर राज्य का। आगे देखिए इसका व्याख्या। संप्रभुता राज्य तत्व, राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। राज्य का निर्माण चार कारक तत्वों, पहला है भूक्षेत्र, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा नंबर है सरकार और चौथा है संप्रभुता से मिलकर होता है। राज्य का निर्माण चार कारक तत्वों, भूक्षेत्र, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता से मिलकर होता है। इन सभी तत्वों में संप्रभुता अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। संप्रभुता राज्य को उसके आंतरिक व बाह्य क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र बनाती है। संप्रभुता की का अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जी बोंदा द्वारा किया गया था। संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम जीन बोंदा द्वारा किया गया था। आगे देखिए दोस्तों 109 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, बल सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत को ही ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। यह राज्य की उत्पत्ति का आधुनिक तथा सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धांत एवं सर्वमान्य सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत को मानने वालों संस्थाओं का जिस तरह से क्रमिक विकास हुआ है, उसी तरह से राज्य का भी विकास मानते हैं। विकासवादी जो सिद्धांत को मानने वाले हैं, उनका मानना है कि मानव संस्थाओं का जिस तरह से क्रमिक विकास हुआ है, उसी तरह से राज्य का भी विकास हुआ है, या क्रमिक विकास राज्य का भी हुआ है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कार्ल पॉपर, दूसरा है लॉर्ड ब्राइस, तीसरा है डेविस ईस्टन, चौथा है एमिल बोरेल। तो कौन आंसर हो जाएगा दोस्तों? डेविस ईस्टन को राजनीतिक के अध्ययन के व्यवहारवादी जो उपागम है विकास के लिए उत्तरदायी वैज्ञानिक माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के लिए विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविस ईस्टन थे। डेविस ईस्टन ने इसे एक बौद्धिक प्रवृत्ति तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा था। किसको? व्यवहारवादी उपागम को। व्यवहारवादी उपागम को ही, ठीक है, जो इन्होंने क्या कहा था, वैदिक जो बौद्धिक प्रवृत्ति तथा तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन कहा था। आगे देखिए 111 का क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है?
किस सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? ऑप्शन देखिए, बहुलवाद को, अराजकतावाद को, नाजीवाद को, उदारवाद को। तो जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुलवादी वाद को, बहुलवाद को ये माना जाता है। तो बहुलवाद सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है बहुलवाद को। देखिए व्याख्या, बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता के एक तत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है। हेसियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनी है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्राकृतिक ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्राकृतिक ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? ऑप्शन है सामाजिक समानता का, नागरिक समानता का, प्राकृतिक समानता का, राजनीतिक समानता का। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक समानता का। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्राकृतिक ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्राकृतिक ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। जान लाक के अनुसार प्राकृतिक का कानून, प्राकृतिक प्रकृति का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी से सलाह लेगी यह शिक्षा देता है कि सभी के समान और स्वतंत्रता होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक समानता का अर्थ है प्राकृतिक ने सभी को क्या माना है, समान माना है सभी मनुष्य को। जान लाक के अनुसार प्राकृतिक का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी से सलाह लेंगी यह शिक्षा देता है कि सभी के समान तथा स्वतंत्र होने का कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ये क्या है, क्योंकि सभी लोग क्या हैं, प्राकृतिक रूप से समान है, प्राकृतिक रूप से समान है, प्राकृतिक ने सबको समान अवसर दिए हैं, समान उनको उपलब्ध कराए हैं संसाधन। ठीक है, प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, तो इसीलिए ने लाक ने यह कथन कहा है। आगे देखिए, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो संप्रभुता जब जनता में निहित होती है तो उसी को कहा जाता है जनतंत्र, जनतंत्र या लोकतंत्र। व्याख्या देखिए दोस्तों, जन संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है। फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो विधि या कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। बोदा ने क्या कहा है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह परम शक्ति है जो विधि या कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। संप्रभुता का सीधा संबंध राज्य से है। आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य के अंग नहीं है? मनु के अनुसार कौन सा राज्य के अंग नहीं है ये बताना है। मनु ने 7 अंग बताए हैं तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो आंसर आपका हो जाएगा पुरोहित। पुरोहित राज्य का अंग नहीं है, जबकि राजा, आमात और कोष राज्य का अंग है। व्याख्या देख लीजिए, मनु ने धर्मशास्त्र के अंतर्गत राज्य के 7 अंगों अर्थात सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के पुरोहित राज्य के अंगों में सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, मनु के 7 अंग इस प्रकार है, राजा, अमात्य, कोष, पुर, दंड, मित्र और राष्ट्र। क्या क्या है, राजा, अमात्य, कोष, पुर, दंड, मित्र, 7 नंबर राष्ट्र।
तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे ये बताना है। क्या जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी थे, स्वामी विवेकानंद थे, या राजा राम मोहन राय? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहीं ना कहीं मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। यही कारण था कि जयप्रकाश नारायण द्वारा निम्न विचार दिया गया, जो पहला था समाजवाद, समग्र क्रांति, दलविहीन राजतंत्र। ठीक है, दलविहीन राजतंत्र और समग्र क्रांति को कई बार पूछा जा चुका है कि यह किससे संबंधित है, तो ये याद कर लेंगे, जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। जेपी ने समाजवाद को 3 भागों में बांटा है। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को 3 भागों में क्या है, बांटा है। वो कौन कौन से हैं? मार्क्सवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवाद, जिसको सर्वोदय कहते हैं, गांधी जी का भी सर्वोदय। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो दोस्तों, अनुच्छेद आपका जो 16 है वो क्या करता है, सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए, संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 16 सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 में कहा गया है किसी पद के लिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो किस भाग में शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को? तो आंसर आप जानते हैं, आंसर 4। ठीक है, ए में शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सर्व सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11, और मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी। 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। किसमें निहित है ये आपको बताना है, राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में। तो ये आंसर सभी लोग को मालूम है कि राष्ट्रपति में संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो क्या है, निहित है। किस अनुच्छेद के तहत? 53 के। व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। आगे देखिए, 119 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ, कहाँ से हुआ है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव? तो ये हुआ है दोस्तों अमेरिका से, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या हुआ है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ है सर्वप्रथम। व्याख्या देखिए, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है जबकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है।
अमेरिका में अध्याच्छात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां राष्ट्रपति ही सभी कार्यपालिका शक्ति को निहित किया गया है। क्या किया गया है अमेरिका में? अमेरिका में अध्याच्छात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां पर राष्ट्रपति में ही सभी कार्यपालिका शक्तियों को निहित किया गया है। जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, वही सर्वा है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी हैं तो प्रधानमंत्री जी हैं, और राष्ट्रपति जो हमारे हैं उतना हर चीज़ उनके मतलब सिग्नेचर से होगा, उन्हीं के दिखाने में वही होंगे, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, शासक बोल सकते हैं। 120 का देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का जो विधानमंडल है उसको किस रूप में जाना जाता है ये बताना, उसका नाम क्या है, संसद है या संघीय संसद है, डायट है या कांग्रेस है? तो आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद है, जो निर्माण करता है, विधान बनाता है, उसका नाम क्या है? कांग्रेस है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनी विधायिका को अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस कहते हैं। इसके दो सदन हैं, कौन कौन? सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। अमेरिकी कांग्रेस की बैठक यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में होती है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसकी क्या होती है? कांग्रेस की बैठक होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 121। सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 435, 545, 200। तो सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 100 है। व्याख्या देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। जो सीनेट है वो अमेरिका जो कांग्रेस है उसकी ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। भारतीय लोकतंत्र में सीनेट की तुलना राज्यसभा से की जा सकती है। भारतीय जो लोकतंत्र में राज्यसभा है वो क्या है? सीनेट के बराबर है, दोनों की तुलना एक समान की जा सकती है। अमेरिकी सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या 100 है। आगे देखिए, 122 नंबर, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? फ्रांस के व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो उसका जो निचला सदन है वो क्या नाम है उसका? चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज है जो निचला सदन है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये दोनों जो हैं, सीनेट जो अमेरिका से संबंधित है आपका, सीनेट अमेरिका से संबंधित हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन है वहाँ से संबंधित है। तो चौथा बचा तो यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निम्न सदन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज तथा उच्च सदन सीनेट कहलाता है। उच्च सदन क्या कहलाता है? सीनेट कहलाता है। फ्रांस में पंचगढ़ राज्य का संविधान, जिसे गाल का संविधान के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा अर्ध अध्यात्मक अध्याच्छात्मक प्रणाली या अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के बाद वर्तमान तक पांच गणराज्य संविधान अस्तित्व में आ चुके हैं। पंचम गणराज्य संविधान जो है फ्रांस में 1958 से वर्तमान तक कार्यशील है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखा, जो सदन है सीनेट अमेरिका के सदन को भी कहा जा रहा है, तो यहाँ इसके भी सदन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे फ्रांस के भी सदन को। 123 नंबर देख लेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की विशेषता नहीं है ये बताना है, लाभी बनाना, हित संवर, फिर राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, चुनावी में सहभागिता,
तो चुनावी में सहभागिता सही क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दबाव समूह सिर्फ क्या करता है, लॉबी बनाता है, बातचीत करता है, नेताओं को प्रभावित करता है, ये दबाव समूह का विशेषता है, लेकिन चुनाव में सहभागी होना ये विशेषता नहीं है। व्याख्या देख लीजिए, चुनाव में सहभागी होना दबाव समूह की विशेषता नहीं है। राजनीतिक में दबाव समूह का तात्पर्य ऐसे संगठन या समूह या समिति से होता है जो अपने समूह के हित में नीतियाँ बनवाने या काम करवाने के लिए सत्ता के ऊपर दबाव बनाते हैं, उन्हीं को दबाव समूह कहते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चय तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है? शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया है, जिससे क्या किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बना रहे और स्थिरता सुनिश्चित किया जा सके? तो इसके लिए शक्ति संतुलन सिद्धांत का वर्णन किसने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है क्यूईसी राइट, जॉर्ज स्ट्रार जेनर बर्ग, फिन है एन जे स्पाइक मैन, और चौथा है लॉर्ड कास रेलो। तो ये आंसर जो हो जाएगा आपका जॉर्ज स्राच जेनर बर्ग हैं, ये आपके आंसर हो जाएंगे। दूसरा इनका व्याख्या देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्वों के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन जॉर्ज जो जॉर्ज स्रा जेर वर्ग ने किया है। शक्ति संतुलन में कोई राष्ट्र अकेला इतनी शक्तिशाली न हो जाए कि वह दूसरे राष्ट्रों को दबा दे, अतः शक्ति का बंटवारा समान होना चाहिए, ऐसा उनका कथन था। तो किसने कहा था, शक्ति जो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज स्वार जेन बर्ग ने, जॉर्ज स्वार जेन बर्ग ने इस सिद्धांत को दिया है। दोस्तों नाम कुछ अटपटा है, आप लोग ठीक ठाक से पढ़ लीजिएगा। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका मार्गेन थाउ ने शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग किया था। दो क्वेश्चन है शक्ति संतुलन से, ऊपर वाला भी था, ठीक है, यहाँ पर वर्णन था और यहाँ पे क्या है शब्द का प्रयोग किसने किया है ये बताना है। तो अगर वर्णन पूछा जाएगा तो जॉर्ज स्रा जेन बर्ग हो जाएंगे, और अगर उसका शब्द का प्रयोग किसने किया था तो ये हो जाएगा मार्गेंथाउन, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग मार्गेंथाउन ने किया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में नैतिकता विधि या अधिक कारकों के बजाय शक्ति और राज्य की स्वायत्तता पर बल दिया। इन्होंने राजनीतिक को शक्तियों के लिए संघर्ष का जो शाश्वत है इन्होंने राजनीति को शक्तियों के लिए संघर्ष का जो शाश्वत है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी को नमस्कार, थैंक यू दोस्त।